देश में ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई करने के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फांसी सुनाए गए आरोपियों के केस में अक्सर ऐसा देखा जाता रहा है। मामला याकूब मेमन की फांसी टालने का हो या फिर निठारी कांड के आरोपी की फांसी को लेकर हो, लेकिन अब केंद्र जो नया बिल लेकर आई है उससे इसे खत्म कर दिया गया है। मतलब अब राष्ट्रपति का फैसला ही आखिरी फैसला रहेगा। नए कानून में क्या बदलाव किया गया है इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सदन के पटल पर अमित शाह ने जो बिल रखा था उसमें कहा गया था कि जिन दोषियों की दया याचिका पर राष्ट्रपति का फैसला आएगा अब वही फैसला पत्थर की लकीर माना जाएगा। अब राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। नया बिल जो आया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, इसमें राष्ट्रपति के फैसलों की न्यायिक समीक्षा को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मौत की सजा को माफ करने या फिर कम करने का अधिकार इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में अदालतें राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा नहीं कर पाएंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल की धारा 473 में ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी और ये अंतिम फैसला होगा। राष्ट्रपति के फैसले को लेकर कोई भी सवाल किसी भी अदालत में समीक्षा के लिए अब नहीं जा सकेगा। ये बिल CRPC की जगह लेने जा रहा है। दोषियों की आखिरी उम्मीद खत्म। इस प्रावधान के व्यापक निहितार्थ हैं क्योंकि ये मौत की सजा पाए दोषियों से एक अंतिम न्यायिक उपाय या फिर उम्मीद छीन सकता है। इसके बाद उनके फांसी के तख्त पर पहुंचने का रास्ता भी साफ हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ये फैसला दिया था, राष्ट्रपति या राज्यपाल के क्षमादान और क्षमा जैसी विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग न्यायोचित है और इसमें अनुचित और अस्पष्ट देरी, एकांत कारावास आदि जैसे आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में ज्यादातर मौत की सजा पाने वाले कैदी अपनी दया याचिका के ठुकराए जाने के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे हैं। हालांकि एक दलील ये भी दी जाती है, कुछ मामलों में दया याचिकाओं पर फैसले लेने में राष्ट्रपति की तरफ से हुई काफी देरी को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया था और यहाँ तक की मौत की सजा को भी कम कर दिया गया। लेकिन अब जो नया कानून लागू होने वाला है उसके तहत अगर किसी दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास जाती है तो फिर राष्ट्रपति का जो फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि ऐसा क्यों किया गया। मेमन हो या फिर निर्भया के दोषी, आपको याद होगा इन दोनों ही मामलों में फांसी की सजा मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। इनकी भी याचिकाएं राष्ट्रपति के यहां गई थी। 1991 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को मौत की सजा देने के ठीक पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी। रात को कोर्ट खुलवाया गया था। 2020 में निर्भया केस के चार दोषियों के वक्त भी ऐसा ही हुआ। इस केस में भी खूब ड्रामा देखने को मिला, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों में फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन मौत की सजा के विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस असाधारण सुनवाई को दोषियों के लिए सभी संभावित कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन अब जब नया कानून आ गया है उसके बाद ऐसा नहीं होगा। और तो जैसे एक ही केस में कई दोषी होते हैं और वो अलग अलग वक्त पर अपनी याचिकाओं के अधिकार का इस्तेमाल अलग अलग वक्त पर ही करते हैं, जिससे सजा मिलने में बहुत देरी हो जाती है। अब ये देरी भी नहीं होगी। अब फांसी की सजा मिलने पर याचिका दायर करने की सीमा को भी तय कर दिया गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बदले हुए कानून के लागू होने के बाद इसके परिणाम क्या आते हैं। आप सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।